हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों मैं हूं संदीप। दोस्तों कल की क्लास में हमने क्विज सेक्शन किया था, जिसमें हमने 35 क्वेश्चन किए थे, जो कि जिसमें काफी टेस्ट था, अलग अलग टेस्ट था। क्वेश्चन से फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, कुछ प्याजे से रिलेटेड थे, है ना। आज की क्लास में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम नीच कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं। जो यह क्लास है, यह अगर आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट के जो पहलू है उससे रिलेटेड और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, ठीक है। उससे रिलेटेड मीन्स हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने भी होंगे मीन्स 30 या 35 क्वेश्चन तक वीडियो जितनी भी बनेगी वो बना लेंगे। उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट कर देंगे, अगर मान लो कि अगर कुछ ना कुछ चीजें रह जाएंगी तो, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भाई अगर हम बात करें प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं उनकी, सो उनका जो एज का क्राइटेरिया रहता है वह लगभग 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक का होता है ना। हमने लगभग बच्चे का जन्म से लेकर के और 6 वर्ष तक का जो डेटा है उसको कवर करना है, जो भी आपका यह एनटीटी का सिलेबस है इसमें, ठीक है। चाहे उसके बाद आपकी मर्जी है, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कर पाते हो या नहीं। जैसे कि आपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था तो करना ही करना है, क्योंकि शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है और बाल्यावस्था जो कि 2 से लेकर के वैसे तो 12 वर्ष तक होती है, लेकिन जो बाल्यावस्था में एक अर्ली चाइल्डहुड चली जाती है, पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम बोलते हैं, वो जो कि 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में और शैशवावस्था के बारे में आपको मीन्स हर चीज पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कल की तरह हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने जो कि है आते जाएंगे, ठीक है। तो उनको देखते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं। अगर क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो लिखते जाएं, ठीक है। जो कि डेवलपमेंट है और इसके प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड आज हमारा जो कि क्विज सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन आप समझते हो कि जो जब मींस गर्भधारण होता है, जब बच्चा है जो माँ के पेट में जस्ट एक सेल बनता है, जाइगोट बनता है ना। उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कंजप्शन, सॉरी कंसेप्शन या जन्म, कंसेप्शन से लेकर के जो जन्म है, जन्म से पहले की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मीन्स गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था और फोर्थ प्रसवपूर्व अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है और प्री नेटल स्टेज है। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा फोर्थ ऑप्शन, प्री नेटल स्टेज। मीन्स जो कि 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, जिसको 266 डे भी आप कह सकते हो, ठीक है। जो कि 266 डेज का टाइम पीरियड होता है माँ के गर्भ में बच्चा, ठीक है, जैसे जाइगोट बन के फर्टिलाइजर होकर के जैसे बड़ा होता है ना। तो उस 9 मंथ के पीरियड के दौरान मीन्स हम उसको कौन सी अवस्था बोलेंगे, प्री नेटल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। ये आप याद रखना। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है विकास और वृद्धि से संबंधित कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देखो इसमें अब वो ऑप्शन चूज करना है जो स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि स्टेटमेंट, 3 ऑप्शन जो सही होंगे, लेकिन हमने कौन सा चूज करना है, गलत चूज करना है, क्योंकि नॉट लगा है और नॉट को देख लिया करें। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन को गलत करने के। हमारे पास कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मीन्स सॉरी सिनोनिमस जिसको हम बोलते हैं, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिमस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन कि यह एक दूसरे के समान है, ठीक है, इसका मतलब ये है। सेकंड में कह रहे हैं वृद्धि विकास का ही भाग है, मीन्स जो कि ग्रोथ है वह डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। थर्ड में कह रहे हैं वृद्धि और विकास एक दूसरे से परस्पर रिलेट करते हैं, रिलेशन है इनका आपस में, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन बनता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो सकता है, या सेकंड हो सकता है, या फर्स्ट हो सकता है। और फोर्थ में कह रहे हैं वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को और विकास गुणात्मक परिवर्तनों को रेफर करती है, रेफर करता है, मीन्स जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं और जो
डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। सो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको गलत लगता है? सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वह है फर्स्ट ऑप्शन। सो वृद्धि और विकास को कभी भी पर्यायवाची नहीं समझा जाता। विकास कुछ अलग है, वृद्धि कुछ अलग है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है, ये हमने ऑलरेडी कर चुका है, कर रखा है, ठीक है ये चीजें। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले चरण पर आधारित होता है। मीन्स जो भी डेवलपमेंट है वह एक स्टेप के बाद जो अगला स्टेप आता है। मीन्स ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यह कथन जो यह स्टेटमेंट है विकास के किस सिद्धांत को रेफर करता है, विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? क्रमबद्धता को, सेकंड कह रहे हैं पूर्वानुमान को, थर्ड कह रहे हैं एकीकरण के नियम को, और फोर्थ कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। मीन्स क्रमबद्धता को इसको हम कह सकते हैं एक सीरिएशन को, कि एक सीरीज में चलता है। प्रेडिक्शन मीन्स प्रेडिक्टेबिलिटी, और थर्ड है यूनिटरी को, या हम इसको इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, और व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। देखो जो ऊपर हमारे पास दिया है कि एक स्टेप के बाद मीन्स पहले कुछ चीजें कवर होती हैं, बट सॉरी पहले किसी एक चीज का विकास होता है, फिर दूसरी चीज आती है। मीन्स दूसरी चीज पहली चीज पर आधारित होती है। तो यह किसको रेफर करता है इन ऑप्शन में से? ठीक है, यह इसका हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, जो कि सीरिएशन, जिसको हम बोलते हैं क्रम में चलता है। ये आपको पता है, देखो क्रम का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पहले बच्चा क्या है, अपनी गर्दन को बैलेंस करना सीखता है, फिर अपनी मीन्स गर्दन के नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है उसको बैलेंस करता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर घुटनों के बल चलता है तो मीन्स उसके जो कि हाथ है उस पर कोऑर्डिनेशन बनता है ना। घुटनों के बाद जो अगला क्रम आता है वो हमारे पास आता है कि वह चलने लगता है, सॉरी चलने नहीं, खड़ा होने लगता है ना। खड़ा होने के बाद वह चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है। तो यह क्या है, क्रम में एक चीजें हो रही हैं, जो भी ग्रोथ है यह एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक सीरीज में हो रहा है। ठीक है, कि पहले उसने अपनी गर्दन को बैलेंस किया, फिर नीचे वाले पार्ट को बॉडी के, फिर उसने घुटनों के बल चलना सीखा है ना, फिर खड़ा होना सीखा, सॉरी फिर वह खड़ा होने लग गया, और वह फिर चलने लग गया, फिर वह दौड़ने लग गया। सो ये चीजें क्या है, यह सीरीज में चलती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सीरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट आएगा। ठीक है, सीरिएशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें कह रहे हैं किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि। फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, मीन्स बहुत तेज हो जाती है। सेकंड है धीमी हो जाती है। थर्ड है औसत, मीन्स एक एवरेज के अकॉर्डिंग चलती है। और फोर्थ है रुक जाती है। सो किशोरावस्था के बाद जो शारीरिक वृद्धि है वह क्या है, मीन्स धीमी हो जाती है। जी आप याद रखोगे किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति है वह अगली स्टेज होती है उसकी प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इस टाइम पे जो उसकी ग्रोथ है ना, ग्रोथ, मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। सो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मीन्स शारीरिक जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। ठीक है, मीन्स सॉरी धीमा हो जाता है वो, कहीं ना कहीं रुक नहीं कहेंगे हम इसमें, धीमा कहेंगे। ठीक है, वह धीमा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहे हैं विकास से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है, मीन्स कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है विकास के संदर्भ में। ठीक है, सो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। मीन्स अब प्रत्येक चरण की अगर बात करें, सो यहाँ पे विकास का हर एक पहलू, हर एक अवस्था, ठीक है, कह रहे हैं उसमें खतरा है। तो यह गलत हो सकता है या सही हो सकता है, देखेंगे। सेकंड में कह रहे हैं विकास उत्तेजना द्वारा सहायता मुक्त नहीं होता। थर्ड में कह रहे हैं संस्कृति परिवर्तनों के द्वारा विकास प्रभावित होता है। संस्कृति परिवर्तनों के द्वारा मीन्स जैसे जैसे आप अपनी संस्कृति में चेंज आते जाते हैं, ठीक है, तो वैसे भी जो विकास है उसको भी यह इफेक्ट करता जाता है। थर्ड में कह रहे हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ विशेषताएं या एक विशिष्ट तरीके का व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड ऑप्शन, मीन्स विकास उत्तेजना के द्वारा सहायता मुक्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि विकास पर इफेक्ट नहीं पड़ता उत्तेजना का। ठीक है, सो उत्तेजना आपको पता है कि भाई उत्तेजना होती है स्टिमुलस। देखो हमने जो कि लर्निंग कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा होगा, जिसमें पैब्लो आए थे, स्किनर आए थे, ट्रायल एंड एरर लर्निंग दी थॉर्नडाइक ने, है ना, कोहलर और कोफ का, और बर्दी मीर आए जिन्होंने इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, सो इन्होंने मीन्स ज्यादातर जो स्किनर थे, पेब्लो थे, और थॉर्नडाइक थे, और जेवी बार्सन थे, इन्होंने कहा था कि स्टिमुलस के
कारण हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। इट मीन्स अगर सिखा सकते हैं तो उसका विकास भी तो हो ही रहा है ना। सो स्टिमुलस जो होता है, उत्तेजना जो होती है, इसको उद्दीपक भी बोल देते हैं। ठीक है, मीन्स उत्तेजित करने वाला कोई भी वस्तु हो सकती है, या है कोई घटना हो सकती है, वस्तु हो सकती है। ठीक है, स्टिमुलस। सो यह क्या है, मोटिवेट करती है बच्चों को कोई ना कोई कार्य करने के लिए। हर इंसान को, हर प्राणी को, हर सब्जेक्ट को क्या करती है, मीन्स एक उसकी उत्तेजना बढ़ाती है। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई जो विकास है वह उत्तेजना द्वारा सहायता मुक्त नहीं होता। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, कि इसमें गलत चीज क्या है, तो वह सेकंड ऑप्शन है। थोड़ा फर्स्ट की बात कर लेते हैं, कहीं आप उलझ जाओ कि विकास के प्रत्येक चरण में खतरा किसको बोला गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारे पास यहाँ पे खतरे का मतलब ये है कि भाई बच्चा, बच्चे के जो विकास का जो पहलू होता है, अवस्था होती है। सो आपको पता होगा कि उसके हर पहलू में आपको केयर करनी पड़ती है। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो बच्चा एक असहाय होता है, मीन्स अपनी मर्जी से वह कुछ नहीं कर सकता। कि आप कहीं, जब उसने जन्म ले लिया तो अपनी मर्जी जिसे खा रहा है, बैठ रहा है ना, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो वह भी एक तरीके का खतरा है। जैसे ही अवस्था बाल्यावस्था में जाता है, सो उसकी कुछ अलग थिंकिंग चली जाती है, उसका एटीट्यूड कुछ अलग तरीके का हो जाता है। सो वह अपने जो भी इन्वायरमेंट में देखता है, खोजें करता है, सो उसको वह जानने की कोशिश करता है ना, तो वह दूसरों से क्वेश्चनिंग करता है। सो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर माता पिता, पेरेंट्स, या उसके ब्रदर, छोटे भाई बहन जो भी है ना, समाज में उसकी इस जो भी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, उसको अगर वह शांत नहीं करते, जो चीजों को वह जानना चाहता है उसको वह नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, उस बच्चे में एक तरीके का ऐसा बन जाता है कि उसमें जो खोज करने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है ना। सो यह भी तो एक तरीके का खतरा ही है। तो कहने का मतलब है कि विकास की हर अवस्था में, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसकी केयर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर हम टीन एज की बात कर लें, किशोरावस्था की बात कर लें, एडोलसेंस की, सो 12 से लेकर के जो कि 18 या 19 तक यह होता है ना, सो इसमें भी बच्चों की केयर करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता है ना। सो पेरेंट्स को चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि यह एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, बच्चे की जो शैशवावस्था होती है, यह लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें बच्चा सुधर भी सकता है, इसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है। सो इसमें ही बच्चा जो भी अपना फ्यूचर है ना, वो यहीं पे सेट होता है बच्चे का, किशोरावस्था में। ठीक है, सो यह भी क्या है, एक रिस्की मैटर है कि भाई आपने वहां पे भी उसको केयर करनी है कि कहीं बच्चा गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। क्योंकि किशोरावस्था में अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो पूरी उम्र वह उसी संगत के मींस अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी उसने अपनी फ्रेंड सर्कल से सीखा है। ठीक है, सो आपको किशोरावस्था में बच्चे का फ्रेंड सर्कल, बच्चे का रहन सहन, बच्चे की हर पहलू पर ध्यान देना होगा। तो यह भी रिस्की मैटर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट मींस गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट फाइंड करनी थी। सो फर्स्ट बिल्कुल सही है कि भाई हर चरण में खतरा होता ही होता है, विकास के हर पहलू में। और थर्ड भी हमारे पास, कि जैसे जैसे कल्चर चेंज होता जाएगा वैसे जो डेवलपमेंट है वो भी इफेक्ट होगी। और फोर्थ भी हमारे पास क्या है, कि विकास की हर अवस्था में विशिष्ट तरीके का व्यवहार हम करते हैं। ठीक है, सो होप के फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, किस अवस्था में विकास और वृद्धि सबसे तेज होता है, विकास और वृद्धि की गति सबसे तेज होती है। सो यह हमारे पास आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आएगा शैशवावस्था, ऑप्शन 1। ठीक है, सो शैशवावस्था एक वह स्टेज है, मींस जिसमें बड़ी तेजी से आपको जो विकास है वो दिखाई देगा। ठीक है, उसको आप मेजर कर पाओगे कि बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता की बात करनी है। देखो, पूर्व बाल्यावस्था में आपको बता दूं, इसकी अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें तो यह 2 से लेकर के 6 वर्ष तक आपने मान के चलनी है। क्योंकि यह सब स्टेज है बाल्यावस्था की, मीन्स चाइल्डहुड की सब स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। क्लियर है? सो इसमें कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्री गैंग एज, सेकंड है इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, और लास्ट है एक्सटर्नल प्ले एज। ठीक है, मीन्स अब प्री गैंग एज का मतलब है कि बच्चे गैंग बनाने से पहले, देखो प्री की बात की गई है, मीन्स अभी बच्चे गैंग एज में नहीं आए हैं। गैंग एज का मतलब होता है कि जब बच्चे अपने साथियों के साथ ग्रुप बना करके रहने लग जाए, खेलने लग जाए। ठीक है, मीन्स उन्हें पता चलने लग जाता है कि ये मेरे साथी हैं, तो वह अपने एक फ्रेंड सर्कल के साथ रहने लग जाते हैं। ठीक है, सो गैंग एज से पहले, क्योंकि आगे क्या लगा है, प्री लगा है। ठीक है, सो यह जो विशेषता
है अर्ली चाइल्डहुड की, लेकिन हमें कौन सा लेना है, नॉट वाला लेना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि भाई नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने नॉट वाला लेना है, इसलिए हमारे पास प्री गैंग एज तो इसकी विशेषता है, इसको छोड़ देंगे। सेकंड में कह रहे हैं इमिटेटिव, नकल करना, तो बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति तो होती है जी, आपको पता है ना, अर्ली चाइल्डहुड में, इसका मीन्स इसको भी आप छोड़ देंगे क्योंकि यह भी सही है, यह भी उसकी विशेषता है। क्वेश्चनिंग एज भी आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जी, अभी अभी मैं आपको बता करके हटाऊं कि उनकी जो जिज्ञासा होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में वह चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को फाइंड करते हैं, सो जो भी वह देख रहे हैं घटनाओं को, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो वह क्वेश्चनिंग करते हैं अपने बड़ों से कि भाई आकाश नीला क्यों है, जो पक्षी है वह उड़ते क्यों है ना। सो इस तरीके के मीन्स एक बिना सिर पैर की बातें करते हैं, जो कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ठीक है। सो यह एक क्वेश्चनिंग होती है, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड की यह विशेषता है, और इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास फोर्थ, एक्सटर्नल प्ले एज, मीन्स बाहरी खेल खेलना, मीन्स अपने घर से बाहर जाकर के जो ग्राउंड में बच्चे खेल खेलते हैं, तो उस तक अभी यह नहीं पहुंचते, ठीक है। सो यह इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। सो सिंपल है भाई, आपको पता है कि जो विकास है वह गर्भधारण से ही, कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जब मीन्स एक गर्भधारण होता है, ठीक है, तभी से विकास शुरू हो जाता है। सो इसलिए इसका राइट आंसर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, प्री नेटल स्टेज, ठीक है। सो यह इसका हमारे पास राइट आंसर है, प्री नेटल स्टेज। सो गाइस आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं जो कि वेट लिफ्टर होते हैं, मीन्स पहलवान है, सो उसको आमतौर पर अपनी मसल्स को और अपनी जो भी बॉडी होती है, बॉडी का मास होता है ना, सो उसको मीन्स एक फिट रखने के लिए, उसको प्रॉपर डाइट देने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, यहाँ पे मीन्स किस तरीके का आहार उसे लेना चाहिए, उसको प्रोटीन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की, बसा की, या विटामिन की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो हमारे पास, देखो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जो प्रोटीन होते हैं वह हमारे मसल्स को गेन करता है ना, सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे पास प्रोटीन होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें कह रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, तो 10 है जो क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहे हैं बाल विकास की कौन सी अवस्था में, जो कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा है, इसकी जो कि शुरुआत हो जाती है, ठीक है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिपस, देखो इलेक्ट्रा ग्लैंड और ऑडिपस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, यह बताया था सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। सो यह इसकी शुरुआत हो जाती है बाल्यावस्था में, मीन्स इलेक्ट्रा ग्रंथि रेफर करती है जब जो लड़की है उसकी अट्रैक्शन लड़के के प्रति, और ऑडिपस ग्लैंड है जो वो लड़कों के लिए होती है, कि लड़कों की अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति हो जाती है, ठीक है। सो यह बाल्यावस्था में है, इसका राइट आंसर हमारे पास बाल्यावस्था आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहे हैं बाल विकास के किस चरण में, मीन्स जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, सो इसके किस अवस्था में, जो कि अपोजिट जेंडर है, इसके इसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होती है, किस चरण में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन है जो अपोजिट जेंडर के प्रति या अपोजिट सेक्स के प्रति, सो यह किस स्टेज में होती है। सो इसमें भी वही हमारे पास सेम ऑप्शन है, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, तो इसमें ज्यादातर मीन्स अट्रैक्शन है, यह होती है जो कि अडल्ट होता है ना, अडल्टहुड स्टेज हमारे पास जो कि वयस्क अवस्था है, ठीक है, इस स्टेज में ज्यादा अट्रैक्शन होती है अपोजिट जेंडर के प्रति। लेकिन ऑडिपस और ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने टिक करना है हमारे पास बाल्यावस्था को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इज, जो कि मानव विकास है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, वह क्वांटिटेटिव है मीन्स मात्रात्मक, वह क्वालिटेटिव है मीन्स गुणात्मक, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कुछ सीमा तक वह अमापनीय है, मीन्स कुछ चीजों को हम यहाँ पे माप नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी कह रहे हैं कि यह दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक है, मीन्स यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यह दोनों है हमारे पास, जो विकास की बात की गई है, अगर यहाँ पे ग्रोथ आ जाता ना, ग्रोथ कि जो कि ग्रोथ है वह, तो इसका हम राइट आंसर क्वांटिटेटिव रख सकते थे, मात्रात्मक रख सकते थे, ठीक
ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रतिनिधित्व नहीं करता। मींस निम्नलिखित में से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सो कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट नहीं करती किसको, वृद्धि की विशेषता को। तो ग्रोथ की बात की गई है यहाँ पे, सो हमारे पास कह रहे हैं यह एक मात्रात्मक पहलू है, तो यह तो रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है, यह तो प्रतिनिधि मीन्स यह तो इसको यह तो इसका गुण है, ठीक है, ग्रोथ का, कि मात्रात्मक पहलू है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। और इसमें सेकंड कह रहे हैं यह मापने योग्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह इसका जो गुण है यह नहीं हो सकता, इसलिए नहीं के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर सेकंड रखना पड़ेगा। लेकिन थर्ड देख लेते हैं, यह जीवन की प्रवृत्ति नहीं है, सॉरी जीवन पर्यंत नहीं चलता, मींस यह एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, तो यह भी इसका गुण है क्योंकि ग्रोथ हमने अभी पढ़ा है पीछे कि यह एक टाइम पे आकर के रुक जाती है, किशोरावस्था के बाद तो यह धीमी हो जाती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में और धीमी हो जाती है, और वृद्धावस्था में यह बिल्कुल रुक जाती है ना, तो ये आपको पता है। और लास्ट में कह रहे हैं हमारे पास यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, तो यह भी इसका गुण है ग्रोथ का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास यह मापने योग्य नहीं है वाला, क्योंकि भाई यह मेजर हम इसको कर सकते हैं ग्रोथ को, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो ज्यादातर मैंने नहीं वाले क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करता है मींस जो भी एग्जामिनर होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन ही आप क्या कर पाओगे, गलत कर पाओगे, ठीक है, सो नहीं को ध्यान से देखना। तो इसमें हमने देखो विकास का सिद्धांत नहीं है, इसको फाइंड करना है, सो कह रहे हैं विशिष्टता से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, मींस जन देखो स्पेसिफिक टू जनरल, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या यह नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में कह रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत, तो देखो भाई निरंतरता का सिद्धांत तो आपको पता है होता है। सेकंड में कह रहे हैं विविधता का सिद्धांत मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल जो इसमें आते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन का सिद्धांत लास्ट में, तो इसका राइट आंसर आएगा आंसर फर्स्ट, मीन्स विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, जो यह गलत है, एक्चुअली यह होता है सामान्य से विशिष्ट, ना कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, यह जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल, सो ये आप याद रखोगे। आगे हमारे पास कह रहे हैं बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, देखो SLT थ्योरी से हमने कल भी एक क्वेश्चन लिया था, आज भी लिया है, क्योंकि सामाजिक विकास की अगर बात करें तो वहां पे बंडूरा आता ही आता है, ठीक है, सो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही क्रम है, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्रम दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, सेकंड कह रहे हैं ऑब्जर्वेशनल अटेंशनल मोटिवेशनल और रिप्रोडक्शन और सॉरी रिटेंशन, और थर्ड में कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन रिटेंशन अटेंशन और रिप्रोडक्शन, और लास्ट में कह रहे हैं रिटेंशन मोटिवेशन अटेंशन और एक्चुअली यह है जो प्याजे सॉरी बंडूरा के कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आया था मॉडलिंग, मीन्स बच्चे दूसरों को देख करके नकल करते हैं, उस मॉडलिंग के यह स्टेप है, ठीक है, सो आपको स्टेप पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है, ये आप याद रखोगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जब हम वीडियोस कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, तो इसमें आप याद रखोगे ये है हमारे पास गॉल्टन, ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत सॉरी कॉन्सेप्ट संप्रत्यय दिया था गॉल्टन ने, ठीक है, सो यह इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहे हैं किस अवस्था में द्वितीयक जोन विशेषताएं, ठीक है, जो सेकेंडरी जेंडर कुछ क्वालिटीज होती हैं गुण होते हैं, ठीक है, वो शुरू हो जाते हैं किस अवस्था में, कह रहे हैं शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था, मीन्स इन्फेंसीवीड चाइल्डहुड एडल्टहुड और सॉरी एडोलसेंस और एडल्टहुड, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास किशोरावस्था, मीन्स टीन एज में जो कि द्वितीयक जोन विशेषताएं हैं। इसका मतलब देखो इसका मतलब ये होता है जोन विशेषताओं का कि लड़के और लड़कियों में एक तरीके का जो कि बायोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज तीखी और मीठी हो जाती है, और जो कि लड़के हैं उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ वगैरह फूटने लग जाती है, सो ये क्या है, यह एक तरीके का मीन्स जो डिफरेंस है लड़कों और लड़कियों में एक प्रॉपर तरीके का क्रिएट हो जाता है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मीन्स बायोलॉजिकल शारीरिक गुण है, यह ठीक है जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, सो यह बायोलॉजिकल गुण है, सो इसके अकॉर्डिंग जो भी जोन विशेषताएं हैं द्वितीयक जोन विशेषताएं हैं ये दिखने लग जाती है किशोरावस्था में। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 18 क्वेश्चन में बालक बल्ले से खेलता है, यह कथन विकास के किस पहलू से रिलेट करता है, ठीक है, देखो अब बालक बल्ले से खेलता है,
कथन है, स्टेटमेंट है, रिलेट करती है, या उसके मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक से, या भाषाई से। मीन्स मानसिक विकास को आप यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास भी मान सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। और शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, और भाषाई लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। सो यह किस से रिलेट करता है? सो इसका राइट आंसर आएगा शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, क्योंकि बल्ले से खेलने के लिए, ठीक है, शारीरिक गतिविधि का होना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, सो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यह थोड़ा अलग सा टेस्ट आया है, जिसमें हम विकास के पहलू के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो कि एग्जाम्पल को मीन्स क्वेश्चन में रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आएंगे, तो आपने एग्जाम्पल को देख करके बताना है कि भाई यह क्या हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, भाषाई, या यहाँ पे हमारे पास संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, ऐसा कुछ बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, 5 वर्षीय बच्ची या बच्चा यह समझने लग जाता है या जाती है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है, और जबकि जो घास का तिनका है वह तैरने क्यों लग जाता है। मीन्स पत्थर का डूबना और घास के तिनके का तैरना, इसकी समझ बच्चों को आ जाती है, ठीक है, लगभग 5 वर्ष के दौरान। तो कह रहे हैं यह विकास का कौन सा पहलू है, कौन सा एस्पेक्ट है? यह उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यह उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, या इमोशनल डेवलपमेंट है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सो इसमें कह रहे हैं कि एक बच्चा अपने मित्रों के साथ खिलौना बांटकर खेलता है, ठीक है। वह अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ खिलौनों को बांट करके, ठीक है, बारी बारी से, नीचे इस तरीके से एक सहयोग बना करके खेल रहा है। सो यह किससे रिलेट करता है? सो यह मीन्स मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या ज्ञानात्मक विकास से, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि भाई सामाजिक विकास में ही, जो कि दूसरों के साथ मेल जोल है, दूसरों के साथ चीजों का आदान प्रदान करना है, ठीक है, तो यह बच्चा सामाजिक, अपने समाज से ही सीखता है, इसलिए ये चीजें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं, 4 वर्ष की बालिका रंगों की को पहचान सकती है। सो यहाँ पे उसको रंगों की समझ है, यह क्या है, यह शारीरिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, या ज्ञानात्मक है, मीन्स इंटेलेक्चुअल। तो इसका राइट आंसर आएगा ज्ञानात्मक विकास, ठीक है। सो उसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, क्योंकि रंगों की पहचान एक तरीके की नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। देखो भाई, आपको पता है कि भाई कौन सा रंग लाल है, नीला है, हरा है, पीला है ना, तो यह जस्ट आपकी नॉलेज है, रंगों को देख करके आप उसको पहचान सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, कह रहे हैं, माला ने अपने भाई को रोते देखकर चुप कराने के लिए अपना खिलौना उसे दे दिया, ठीक है। सो यह पहलू क्या है? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन को ध्यान से, उसका जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ना है। देखो, उसको रोते हुए देखकर उसको चुप कराने के लिए खिलौना दिया है ना। सो यह किसको रेफर करता है, विकास के किस पहलू को रेफर करता है? कह रहे हैं यह संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, या संवेगात्मक विकास है, या भाषाई विकास है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सो इसका राइट आंसर आएगा संवेगात्मक विकास, क्योंकि उसमें भी इमोशंस है, वह दूसरों के इमोशंस को समझ रही है माला, ठीक है। लेकिन अगर भाई यहाँ पे संवेगात्मक विकास की जगह पे मान लो कि सामाजिक विकास होता, तो फिर वो भी राइट आंसर हो सकता था। लेकिन अगर दोनों होते, कई बार ऐसे ही आ जाता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑप्शन में कई बार आपको मिल जाए सामाजिक संवेगात्मक विकास, तो वो भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं विकास से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सो इसमें कह रहे हैं विकास, फर्स्ट में कह रहे हैं विकास एक अनुक्रम से गुजरता है, परंतु इसकी गति भिन्न नहीं होती, इसकी गति भिन्न नहीं होती, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। दूसरा कह रहे हैं विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत की अपेक्षा करता है, मीन्स उसको इग्नोर करता है, ठीक है, उपेक्षा करना, इग्नोर करना। उसके बाद है विकास और वृद्धि में प्रत्येक बच्चे का विकास एक निर्धारित क्रम से होकर के गुजरता है, ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, परंतु इसके साथ विकास की दर भी समान होती है। देखो भाई, आपने फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, अब यहाँ पे सही है, नहीं आया वाली बात नहीं आई है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं हमारे पास, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि गलत है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सही है। सो आपको ध्यान से देखना है। देखो, फर्स्ट को देखो, कह रहे हैं विकास एक अनुक्रम से गुजरता है, परंतु इसकी गति भिन्न नहीं होती। देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन
मीन्स गलत है। कैसे गलत है, देखो यहां तक तो बात सही है कि विकास एक अनुक्रम से होता है, हमने ये बात मान ली कि यह एक ऑर्डर में है, ऑर्डर में चलता है, क्रम में चलती है, सिस्टमैटिकल चलती है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे। लेकिन इसकी गति भिन्न नहीं होती, मींस फिर इसकी गति समान होती है। लेकिन आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वह यह कहता है कि भाई जो विकास की गति है वह तो भिन्न होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सभी प्राणियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई जल्दी नहीं सीखता, कोई धीरे धीरे सीखता है ना, कोई जल्दी चलने लग जाता है, कोई जल्दी नहीं चलने लग जाता। तो यह विकास ही तो है, मीन्स विकास की गति भिन्न होती है। तो यहाँ पे लिखा है विकास की गति भिन्न नहीं होती, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत की उपेक्षा करता है, मीन्स इसको इग्नोर करता है। सो भाई यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं को नकार दिया है उसको, मीन्स कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो विकास का प्रिंसिपल तो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसलिए यह भी जो स्टेटमेंट है गलत हो गई। थर्ड कह रहे हैं, थर्ड हमने मीन्स विकास और वृद्धि में प्रत्येक बच्चे का विकास एक निर्धारित क्रम में होता है, तो यह बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ये आएगा। और फोर्थ देख लेते हैं, कह रहे हैं विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। यहां तक तो यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके बाद फिर वही बात, परंतु इसके साथ विकास की दर भी समान होती है, तो वहां पे भिन्न नहीं होती, यहाँ पे समान होती है ना। सो ये दोनों वाक्य क्या है, मिलते जुलते हैं, इसलिए उस इसके अकॉर्डिंग यह जो स्टेटमेंट है गलत हो गई। हमने कौन सा लेना था, सही लेना था। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद कह रहे हैं अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस पहलू को दर्शाता है, मीन्स किस पहलू का भाग है, मीन्स कॉन्सेप्ट का, मीन्स अगर कॉन्सेप्ट के बारे में मीन्स जो बच्चे जान रहे हैं ठीक है, तो वह किस ऑप्शन किस पहलू में आता है डेवलपमेंट के। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो है इंटेलेक्टिव डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन ठीक है। इमोशनल में भी नहीं है, फिजिकल में भी नहीं है, सोशल में भी नहीं है। और अगर यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट होता सेकंड ऑप्शन की जगह पे, तो वो दोनों सही होते ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 है, आगे कह रहे हैं इसमें बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। मीन्स आप बच्चे को एक उसका जो भी अच्छे तरीके का विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना कह रहे हैं एक, जो कि आपका मीन्स आपको शारीरिक रूप से उसको स्वास्थ्य बनाने के लिए प्रेफरेंस देनी है ना। सो यह कथन कह रहे हैं गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास देखो ऑप्शन दिया है कि यह कथन है जो वो गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। सेकंड कह रहे हैं यह कथन गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। थर्ड कह रहे हैं कि यह सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। देखो भाई अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे के उचित विकास को कह रहे हैं सुनिश्चित करने के लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा है, और इसके साथ जो इसके जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ये भी थोड़े पजल करके दिए गए हैं ठीक है। कि सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, मीन्स हमें उसका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना जरूरी है यहाँ पे। तो देखो यह कथन गलत है, तो देखो यह कथन तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यह कथन है जो क्वेश्चन में दिया गया है यह कथन बिल्कुल सही है, इसलिए गलत वाले तो यहाँ पे दोनों हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा यहाँ तो सी या आएगा डी। सो थर्ड में कह रहे हैं, देखो थर्ड और फोर्थ थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ए और बी तो गलत है हमारे पास ठीक है। क्योंकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है, तो वह बिल्कुल सही है, इसलिए हमने सी और डी सही में से एक चुनना पड़ेगा ठीक है। सो फर्स्ट सॉरी सी में कह रहे हैं कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और डी में कह रहे हैं कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सी को सही है, यहाँ पे ये बात लिखी गई है सही है,
क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले, तो यह जरूरी नहीं है कि भाई पहले शारीरिक विकास हो रहा है फिर उसका जो कि विकास के अन्य पहलू है जैसे मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बाद वो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, शारीरिक विकास के साथ साथ ही ये चीजें चलती हैं, मीन्स भाषा का विकास, उसका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, इसके साथ साथ चलती है, ना कि पहले शारीरिक विकास होता है फिर ये होता है, ठीक है। मीन्स उसके अदर जो पहलू है, अदर एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के, वो विकसित होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन को हम नहीं चूज करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विकास में शारीरिक विकास है वह अन्य पहलुओं के साथ, अन्य एस्पेक्ट्स के साथ इंटर रिलेट करता है, उनका आपस में रिलेशन बनता है, ठीक है। आपस में रिलेशन बनने का मतलब है कि ये भाई एक दूसरे पर आधारित होते हैं, क्लियर है। सो इसका डी इज द राइट ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कह रहे हैं मानव विकास के क्षेत्रों में, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो वह क्षेत्र है हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं कि वह फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल या सोशल। सेकंड में कह रहे हैं कि वह इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल या सोशल, साइकोलॉजिकल। थर्ड में कह रहे हैं साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। फोर्थ में कह रहे हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। देखो भाई बी और डी में स्पिरिचुअल आया है, जो कि डेवलपमेंट में नहीं आता, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल कहीं भी नहीं आता, सो बी और डी को तो काट दो। हमारे पास रह गया ए और सी, ठीक है। सो ए और सी में हमारे पास जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने चार ही डेवलपमेंट के पहलू पढ़ने हैं। वो है हमारे पास संज्ञानात्मक, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, शारीरिक जिसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, और सोशल जिसको सामाजिक, और इमोशनल जिसको संवेगात्मक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल दिया है सी ऑप्शन में, ठीक है, ये नहीं आएगा, फिजियोलॉजिकल भी इसमें नहीं होता, ठीक है। सो ये हमारे पास 26 था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें देखो क्या कह रहे हैं 27 में, कह रहे हैं मानव बुद्धि एवं विकास की समझ टीचर को देश के योग्य बनाती है, ठीक है। मीन्स जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही है और डेवलपमेंट है, तो इसकी समझ टीचर को योग्य बनाती है। कह रहे हैं टीचिंग के समय जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके इमोशंस पर कंट्रोल बनाए रखने के योग्य बनाती है। बी में कह रहे हैं अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको किस तरीके से, मीन्स एक टीचिंग मेथड अलग अलग तरीके से प्लानिंग करनी है, तो इसके बारे में मीन्स स्पष्टता, इसके बारे में क्लियर करती है इन चीजों के बारे में टीचर को। थर्ड में कह रहे हैं शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और फोर्थ में कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। सो गाइस इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, मीन्स जो कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में आपको क्लैरिफाई करती है, ठीक है। मीन्स कैसे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग का मतलब है कि भाई जो भी उसमें अलग अलग तरीके की, किसी में कम इंटेलिजेंसी होती है, किसी में ज्यादा होती है, विशिष्ट बच्चे होते हैं, तो यह उनमें जो भी अलग अलग विविधता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो भी आपने अपना टीचिंग प्लान, अपना जो टीच करना है बच्चों को वह कैसे करना है, सो इसको क्लैरिफाई करती है, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैस्ट, तो निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है, शारीरिक विकास के साथ कह रहे हैं वातावरण का, सामाजिक विकास के साथ कह रहे हैं हमारे पास सॉरी हाँ संज्ञानात्मक विकास के साथ कह रहे हैं परिपक्वता का, और सामाजिक विकास मीन सोशल के साथ कह रहे हैं इन्वायरमेंट का, और इमोशनल के साथ कह रहे हैं मेच्योरेशन का। देखो भाई फिजिकल का सिर्फ यहाँ पे जोड़ा बनाया है वातावरण के साथ, तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ ही अटैच होता है। फिजिकल कहीं ना कहीं हेरिडिटी, जो अनुवांशिकता है, उसके साथ भी अटैच होता है। जैसे कि बच्चों की आंखों का रंग कई बार अपने माता पिता की आंखों के रंग से मिलता है ना, बालों का रंग, चेहरे का रंग, नाक की बनावट, ठीक है। तो जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है बच्चे की वह अपने पेरेंट्स पर जाती है, क्योंकि जो जीन होते हैं वो काम करते हैं, आपको पता है हेरिडिटी है, ठीक है, जो कि हेरिडिटी के कारण जीन बच्चे में चले जाते हैं, है ना। सो इसलिए जो फर्स्ट है इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि शारीरिक विकास को सिर्फ वातावरण के साथ जोड़ा गया है। इसी तरीके से संज्ञानात्मक विकास को भी सिर्फ परिपक्वता के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो है परिपक्वता के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी, वातावरण पर भी, हेरिडिटी पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद संवेगात्मक को भी यहाँ पे सिर्फ परिपक्वता के साथ जोड़ा गया है, मीन्स मच्योरिटी के साथ, तो इसका संबंध भी क्या है, संवेगात्मक विकास का
संबंध भी इन्वायरमेंट से है, हेरिडिटी से है, लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यह करेक्ट मैच हो सकता है, क्योंकि सामाजिक विकास है, कहीं ना कहीं समाज एक वातावरण का ही पहलू है, इन्वायरमेंट का ही पहलू है ना। सो बच्चा जब इन्वायरमेंट में आ गया तो समाज के जो कल्चर रीति रिवाज है, जो हमने अपने अपनी सुविधाओं के लिए रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, तो जब बच्चा वो सीखता है सामाजिक विकास में वही आता है। तो इसमें कोई जन्मजात गुण होते नहीं है, है ना। तो जैसे कि सामाजिक विकास में बच्चा जब अपनी अपना जो भी धर्म है, अपनी कास्ट है, अपना जो भी विश्वास है, अपनी संस्कृति है, तो ये कहीं ना कहीं जन्मजात होती नहीं कि भाई बच्चे ने जन्म ले लिया और इसका जो कि जन्म के साथ ही जो इसकी कास्ट आई है ना, तो ये तो बाद में डिसाइड की जाती है ना। तो ये चीजें क्या है, ये वातावरण का पहलू है, इसलिए सामाजिक विकास को वातावरण के साथ आप जोड़ सकते हो। सो राइट आंसर आएगा इसका हमारे पास सी ऑप्शन। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के बिना निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित कर सकता है। मीन्स निम्नलिखित में से कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि जो बच्चा है वह इमोशनली तरीके से और सोशली तरीके से क्लास में फिट हो सकता है या नहीं, किसके बिना, किस ऑप्शन को हमने यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है, किसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, मींस उसको कहीं ना कहीं नकार देना है, इग्नोर कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास ए है कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना। फोर्थ में कह रहे हैं क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावशाली रूप से उनको प्रबंधित करना, मींस मैनेज करना अपनी अपने अपने क्रोध को, मींस एंगर को, और अपने ज्वाय को, ठीक है। और डी में कह रहे हैं हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो इसमें से देखो किस ऑप्शन में आपको बच्चा मेंटली सॉरी इमोशनली और सोशली तरीके से फिट लगता है, किस ऑप्शन में। तो इसमें हमारे पास तीन, देखो तीन ऑप्शन तो ऐसे आएंगे जिसमें बच्चा सोशली और मेंटली फिट है, और एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें बच्चा सोशली और इमोशनली फिट नहीं है, तो उसको ही हमने छोड़ना है, और छोड़ना मीन्स उसको ही हमने राइट ऑप्शन में रखना है, ठीक है। सो गाइस जो इसका हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर ध्यान लगाने की बात की गई है, जो भी वह हम उम्र साथियों के साथ जो भी उनके साथ जो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, उसको वह मजबूती से दृढ़ता पूर्वक तरीके से उस चीज को हैंडल कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके जो इमोशंस हैं वो भटक रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो उसके सामाजिक पहलू है जैसे कि बच्चों के साथ मिलकर के खेलना है ना, तो इस चीज को भी वह क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में वह दूसरों को हराने की जो कोशिश कर रहा है, तो वह मीज सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है। सो यह उसका मीज इमोशनल पहलू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डाउन हो सकता है, ठीक है। सो बाकी जो तीनों है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये इसमें इसमें जो इमोशनल तरीके से बच्चा फिट हो रहा है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा 29 का, तो ये है हमारे पास ऑप्शन डी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारे पास देखो भाई कह रहे हैं कि कौन इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे, मींस जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है आपके सामने। ऑप्शन है विकास, परिपक्वता तथा अनुभव के बीच, जो कि एक अनोन्य क्रिया मीन्स इसको हम इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, कि वजह से घटित होता है। मीन्स जो डेवलपमेंट है वह मच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बीच जो एक इंट्रैक्शन होती है उसके कारण जो विकास होता है। उसके बाद कह रहे हैं अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारित है, मीन्स अनुभव सिर्फ एक्सपीरियंस ही विकास करता है और चीजों से विकास नहीं होता। सो यहाँ पे यह कहीं ना कहीं क्या है, मीन्स यह सिद्धांत नहीं हो सकता, तो यह गलत है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। पहला हो सकता है, थर्ड देख लेते हैं, विकास जो कि प्रबलन मीन्स रेनफोर्समेंट है और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो यह भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है। और उसके बाद कह रहे हैं जो विकास है प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, जो विकास है वह प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सो गाइज इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा
वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि मैंने आपको पहले बोला था कि भाई ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि देखो बी ऑप्शन में कहा है एक्सपीरियंस ही एकमात्र निर्धारक है, सी ऑप्शन में कहा है कि सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो रेनफोर्समेंट है और पनिशमेंट है यह ही क्या है डेवलपमेंट को मीन्स सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे केवल रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहाँ पे गया, ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी कहाँ पे गई, कर्ट लेवन की फील्ड लर्निंग थ्योरी कहाँ पे गई, जो बच्चे खोजे करते हैं, जो उनकी कुछ प्रवृत्ति होती है चीजों को खोजने की, तब भी वह सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, SLT थ्योरी हमने पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, वो चीजें कहाँ पे गई, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, मीन्स प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान, तो यहाँ पे जो अनुमान हम लगा सकते हैं विकास में, लेकिन वह इन द फ्यूचर कोई भी चीज चेंज हो सकती है, ठीक है, ये हमें पता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज हमने सोच ली तो उसी तरीके से विकास होगा, ठीक है, बच्चे का। तो यह हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सही ढंग का मतलब ये है कि भाई जो हमने सोच लिया वही करेंगे। सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, चेंज हो सकती है चीजें। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच के हम चीजें करते जरूर हैं, लेकिन वो होती है या नहीं होती ये हम पर ही डिपेंड कर जाता है कि कहीं ना कहीं हम, जैसे कि आपकी बात करें तो आपने भी फ्यूचर में सोचा होगा कि भाई NTT की तैयारी कर रहे हैं और ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास अब लाखों बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, तो लाखों में से तो लाखों तो नहीं ज्वाइन कर जाते, है ना, जो पास होते हैं वही ज्वाइन करते हैं ना, तो मीन्स जो लाखों में से लाखों को तो जॉब नहीं मिल जाएगी, फ्यूचर में लाखों ने तो सोचा ही था कि भाई मुझे जॉब चाहिए, है ना। सो यही बात है। सो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारे पास फर्स्ट। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आजू प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड। अब यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड को याद रखना है आपने, चाइल्डहुड को दो भागों में बांटा गया है, अर्ली और लेटर। सो अर्ली आती है 2 से 6 वर्ष तक और लेटर आती है 6 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपको देख लो कि अगर आपको यहाँ पे 6 से 12 के नियर अबाउट कुछ लग रहा है तो जो ऑप्शन सी है हमारे पास 6 से 11 वर्ष, यह है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सो सी इसका राइट आंसर आएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश के नमूने को अनुगमन करती है, मीन्स जो भी डेवलपमेंट की स्पीड है, जो भी डेवलपमेंट की गति है, ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पहले प्रिंसिपल में पढ़ के आए हैं कि भाई विकास की दर है वो भिन्न भिन्न होती है सभी में, क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट है ना होता है, परंतु कह रहे हैं यह एक पैटर्न को फॉलो करता है। सो इसका क्या मतलब है पैटर्न को फॉलो करना, कह रहे हैं ऑप्शन है एडी से चोटी। एडी से चोटी का मतलब है पैर से सिर। सो बच्चे का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर, फर्स्ट ऑप्शन काट दो। उसके बाद कह रहे हैं अव्यवस्थित, मीन्स एक सिस्टमेटिकल तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, तो अव्यवस्थित भी नहीं हो सकता विकास। उसके बाद कह रहे हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है अनप्रडिक्टेबल, मीन्स जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा चलना सीख गया तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई दौड़ना भी सीख जाएगा। अगर बच्चे ने टू डिमेंशंस एक शेप होती है वो बनाना सीख गया, ठीक है, सो हम अनुमान लगा सकते हैं वह 3D शेप बनाना भी सीख जाएगा, है ना। सो यह जो कि प्रडिक्शन है वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है अनप्रडिक्टेबल, तो यह भी इसका नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो जो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो फोर्थ इसका राइट आंसर आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। कह रहे हैं विकास जन्म के साथ शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, मीन्स जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और तभी समाप्त हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं
हमने सही लेना है, कह रहे हैं सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीन्स जो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेवलपमेंट करने के लिए। सो यह बात बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहे हैं विकास एकल आयामी है, मीन्स यूनिडिमेंशन, मीन्स सिर्फ इसका एक ही पहलू है विकास का। तो नहीं, हमने विकास के कई पहलू पढ़े थे, ठीक है। तो यह मीन्स इसके एक पहलू नहीं है, इसके कई पहलू हैं। मेंटल डेवलपमेंट है भाई, सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना। सो बहुत सारे पहलू इसके चले जाते हैं विकास के। तो सी ऑप्शन गलत है, बी सही है कहीं ना कहीं। डी देख लेते हैं, विकास पृथक होता है, मीन्स डिस्क्रीट, ठीक है। सो डिस्क्रीट नहीं हम इसको कहेंगे, मीन्स विकास अलग ही चीज है कोई ना कोई। तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। सो कह रहे हैं कौन सी स्टेट, यह भी वही सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहे हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो यह वाक्या गलत है, ऐसा नहीं है कि विकास उसके बाद रुक ही जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जन्म के बाद शैशवावस्था में तेज गति से होता है, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर वह रुक जाएगा। कह रहे हैं विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर अग्रसर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये नहीं है कि विकास रिवर्स हो रहा है ना, रिवर्स रिवर्सिबल नहीं होता विकास। तो ये आप याद रखोगे, बी भी गलत है। कह रहे हैं विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, तो यह भी बात गलत है। सीधी रेखा का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे, मीन्स एक सीधी रेखा का मतलब है कि भाई यह ना तो कुछ मीन्स कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सीधी रेखा का मतलब ये है वह स्ट्रेट वे से चल रहा है, ठीक है। सो यह नहीं होता, एक्सपीरियंस आ रहे हैं बच्चे में, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका माइंड तेज हो रहा है, लैंग्वेज का विकास हो रहा है। ऑप्शन डी में कह रहे हैं विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। सो डी इसका राइट है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मीन्स डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यह विचार किससे संबंधित है, यह एकीकरण के नियम को दर्शाता है, मीन्स इंटीग्रेशन के, यह अंतक्रिया का सिद्धांत है, मीन्स इंटरेक्शन का, यह प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मीन्स अंतर्संबंधता का सिद्धांत दर्शाता है, या ऑप्शन डी कि यह कंटिन्यूटी के सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह कंटिन्यूटी है, मीन्स निरंतरता का सिद्धांत। तो ये बात बिल्कुल सही है, विकास क्या है, मीन्स कभी भी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, यह लगातार होता रहता है। हमने पढ़ा था ग्रोथ कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है और वृद्धावस्था में आकर के रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता, ठीक है। आगे हमारे पास इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है तो वो है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सो नहीं है वाला फिर हमारे पास लास्ट में आया है, सो इसको नोट वाले को ध्यान से देख लेना, बार बार कहता हूं मैं, हर क्लास में कहता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को गलत न करके आओ। तो कह रहे हैं कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। देखो कंटिन्यूटी इसमें होती है, सीक्वेंस भी होती है, मींस चीजें सीरीज में चलती है, ऑर्डर में चलती है ना, सीक्वेंस में चलती है, और जनरल टू स्पेसिफिक भी हम पढ़ के आए थे, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे कि हमने एक ऑप्शन में पढ़ा था ना पीछे की ओर जाना, तो वो रिवर्सिबल ही होता है, जो कि हम उसको भी गलत किया था, तो इसलिए हमने गलत यहाँ पे चूज करना था। तो गलत के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, रिवर्सिबल, जो कि विकास का सिद्धांत में रिवर्सिबल नहीं आता। सो गाइज यह हमारा वीडियो थी जिसमें हमने नियर अबाउट 35-36 के नियर अबाउट क्वेश्चन किए। सो कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चन बना करके लेके आएंगे। देखो क्वेश्चन को ना आपके जो एंटिटी सिलेबस है उसमें से फाइंड करना पड़ता है भाई, उसमें से बनाना पड़ता है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन उसी में से हमने थोड़े बहुत लिए हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं सी टेट के, पी टेट के, जिसमें मीन्स डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ही उठा उसमें से भी उठाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट है भाई, जरूरी नहीं है कि भाई आपके एंटिटी सिलेबस से ही क्वेश्चन उठेगा, कहीं से भी उठ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, डीपली तरीके का भी उठ सकता है क्वेश्चन। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने अवस्थाएं सारी करनी है, इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, ठीक है, ये सभी अवस्थाएं आप कर जाना। और इसका मीन इन वीडियोस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे अच्छे नोट्स नोट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियोस को। सो डेवलपमेंट को अच्छे से डिस्कस कर जाना, ठीक है। सो ये आज की हमारी वीडियो थी, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें प्लीज, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।